अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखें हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। लेकिन तुम्हें दुख तो हुआ होगा, क्योंकि जब बहुत अच्छा दोस्त ऐसा बिहेव करता है तो फिर तकलीफ तो होती है। तो किसी ऐसे इंसान का काम जिसके पास दिमाग है, वरना इतनी दीदा दलेरी मेरा नहीं ख्याल किसी जर्नलिस्ट में है। वो तो बेचारे खुद खबरें बेच बेच कर अपना पेट पालते हैं। जब से तुमने जॉब ज्वाइन किए तुम खुद को बिल्कुल टाइम नहीं देते, किसी बात का होश ही नहीं है तुम्हें। खुद को तो मैं कभी भी टाइम नहीं दे पाई बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उम्र का फर्क अपनी जगह, लेकिन मैं भी उन्हें पसंद करने लगी थी। रफीकन 2 घंटे बैठ के गई है, बार बार तेरा पूछ रही थी कि इतनी देर हो गई लड़की अभी तक घर वापस नहीं आई। बोलो सर, जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसे ही किया, और इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए कि दिया मैडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं सिर्फ उन्हें डराऊंगा, धमकाऊंगा, इसके अलावा जैसा आप बेहतर समझे। क्या कसर रहेगी अब आखिर? अब किस बात का इल्जाम लगाने आया है तू? खाला, अब ऐसा तू ना कहो ना। कैसे कहूँ और फिर कैसे कहूँ? देखो गरीब जरूर है मगर जलील नहीं है कि अपनी बेइज्जतियां करवाते फिर है। अच्छा अब माफ भी कर दो ना, गलतफहमी हो गई थी मुझे, उसी रवैये पर तो माफी मांगने के लिए आया हूँ मैं। ए बस रहने दे रहने दे, रख अपना घर संभाल के, बड़ा गरूर है ना तुझे अपने घर पे, जा रहे हम छोड़ के, रख लियो अपने सीने से लगा के इसको। अरे तौबा 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 कर खाला, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। चलो छोड़ भी देना इस बात को, मैंने कहा तो है मैं माफी मांगने आया हूँ, माफ भी कर देना मुझे। सोच ले सोच ले,
तेरी जुबान जो है ना वो चमड़े की तरह है, बात बात पे फिसल जाती है। अगर कलकला को तूने कोई और इल्जाम लगा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। खाला तुमने तो दिल से ही लगा ली है बात, बुला दो ना सारे पिछले गिले शिकवे, कह तो दिया गलती होगी, माफ भी कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। खाला चाय पिलवा दे मोना से। हाँ मोना, ए मोना, ए चचा के लिए चाय लेके आ। नहीं खाला नहीं, शकूर, अब्दुल शकूर। हाँ अब्दुल शकूर के लिए चाय लेके आ। रानी जी मैम, फोन उठाओ और मेरा कोई पूछे तो बोल देना कि मैम बिजी हैं। ठीक है मैम। हेलो, मैं बोल रहा हूँ वासिफ बेग। मैडम बाजी तो अभी बिजी है। हाँ जरीन बिजी है, और डजंट मैटर। हाँ अगर आप मुनासिब समझें तो मुझ गरीब से आप ही बात कर लीजिए। जी हो सकता है मैं आपके हसीन चेहरे के लिए दिल फरेब मुस्कुराहट का बाइस बन सकूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ आप और कहाँ मैं। अरे नहीं 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 नहीं, आप यकीन करें तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप मेरे बिल्कुल करीब हैं। यू आर वेरी क्लोज टू मी। जी मैं समझी नहीं। समझने के लिए तो मुलाकातें बहुत जरूरी होती हैं ना, और हुस्न के तीर आपकी सरकश में हैं, जिसे चाहें जब चाहें जिस वक्त चाहें आप चला दें। अब वैसे आप बातें तो काफी अच्छी कर लेते। अरे सरकार जादू तो आपने मुझ पर कर ही दिया। खुदा हाफिज। बहुत इंतजार करवाते हैं। ए बेटा अल्लाह के नाम पे दे दे, मिस्कीन सा बंदा हूँ, दुआ दूंगा। बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ। बेटा कुछ और बढ़ा के दे दे, फकीर तुम्हारी बाप की तरह। जी लेट्स सी कब बनता है। ओके आई कॉल यू लेटर, बाय। बाजी मैं जाऊं? कल तुम्हें मजा आया था मेरे साथ? आई मीन बोर तो नहीं हुई थी? नहीं बाजी सच्ची में मुझे बहुत मजा आया, इतने बड़े बड़े बाजार तो मैंने सिर्फ टीवी में देख रखे। अब तो मेरे पास आ गई हो ना, अब ऐसा तो रोज रोज होता रहेगा। सच बाजी? वैसे और हम गरीबों की किस्मत में तो सिर्फ बाजारों के धक्के लिखे, जहाँ दुकानदारों से जाके हर चीज के पैसे ही कम कराते रहो। जब तक अपना खून पसीना ना मिला दो कोई चीज ही नहीं हासिल कर सकते। अच्छा अब ये इतनी जज्बाती बातें मत करो, परेशान मत हो। इंसान की जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, और तुम्हारी जिंदगी और किस्मत तो बहुत जल्द बदलने वाली है। सच बाजी? अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। आई डोंट लाइक देम बोथ। अच्छा सुनो, वो नेक्स्ट टाइम से जब तुम मेरे साथ जाओगी तो अपनी माँ को मत बताना। क्यों बाजी? वो जल्दी परेशान हो जाती है ना, इसीलिए। कहती तो आप ठीक है,
अच्छा अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एहतियात से जाना। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, लेकिन कल ही हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। नहीं, बाकी की डिटेल्स मैं देख लूँगी। चलो चलो ठीक है, सी यू टुमारो। ऑलराइट, बाय। बहुत खूब, बड़े आराम से बैठी हो तुम। 5 मिनट तुमसे मेरा वेट नहीं हुआ और तुम आ गई। अरे तो तुम लेट हो गए थे तो मैं आ गई, इसमें कैसी क्या बात है यार। सना, 5 मिनट तो इंतज़ार कर सकती थी तुम। क्या हो गया साथ, इतनी सी बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? बहुत खूब, एक तो गलती तुम्हारी अपनी है, ऊपर से बात को बढ़ा भी मैं रहा हूँ। साद, अब तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। क्या हुआ है, ये तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? पहले तो कभी तुम लोगों को लड़ते हुए नहीं देखा। पूछिए आंटी जरा सना से, मैं इसको पिक करने के लिए गया हूँ, इसने 5 मिनट मेरा वेट नहीं किया और घर चली आई। वेरी बैड सना, ये तुम्हारी मिस्टेक है। जब साद ने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें लेने आ रहा है तो तुमने वेट क्यों नहीं किया? अम्मी आप तो हमेशा साथ की हिमायत करती हैं, और तुम भी आजकल बहुत छोटी छोटी बातों को इशू बना रहे हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना। कुछ सना, पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया। डोंट वरी आंटी, मैं मना लूंगा इसे। वैसे भी मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, बट डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। साथ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। श्योर आंटी, वैसे भी बड़ी तलब हो रही है। आती हूँ। बैठ जा, छोड़ दूं तुझे। फिट्टे वो तेरी शक्ल पे, चल जा यहाँ से। चल तो बड़ा घूमती फिर रही है तू है? क्यों, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? क्या करूं, दिल आ गया तुझ पर, पसंद करता हूं तुझे। हाय हाय हाय, दिल आ गया तेरा मुझ पर, बड़ा मजबूर दिल है तेरा। क्या करूं, अब तो ये तेरे लिए ही धड़कता है। वैसे आजकल रात रात तक कहाँ घूमती फिर रही है तू? क्या मतलब है तेरा, तू क्या मेरी आजकल जासूसी कर रहा है? क्या करूँ, प्यार जो करता हूँ तुझसे। भाड़ ले जाए तू और तेरा ये प्यार, चल जाए यहाँ से, जा। मुझे लग रहा है तू नहीं जाएगा, मैं ही चली जाऊँ, है ना? मेरे मस्त मस्त दोने, मेरे दिल गले गए चैन, मेरे दिल गले गए चैन। सॉरी, मैं तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तुम कब से इतने फॉर्मल होने लगे? शायद अंदर कहीं नदामत है, शर्मिंदगी है, एक अच्छे दोस्त को हर्ट करने की नदामत। पता नहीं तुमने अभी मुझे माफ भी किया है या नहीं। तुम्हारे रवैये को लेकर मेरे दिल में कोई मलाल नहीं। हाँ, एक कसक जरूर थी, लेकिन उस पर भी दोस्ती गालिब रही, तो माफी का सवाल कहाँ से आ गया? तुम वाकई बहुत अच्छे दोस्त हो, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दोस्ती का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करें। मैं एक बहुत अच्छी दोस्त से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, दिल की बातें करना चाहता हूँ उससे, जो मुझे समझ सके, और तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। काश ऐसा होता। तुम आओगे? तुम जानते हो मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। पहली बार तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही है,
मुझे मोहब्बत हो गई, वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन है? सना, सना एहसान, प्लीज आ जाओ मेरे लिए। अब तो आना पड़ेगा, मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हें अच्छी लगती है। थैंक्स, बाय बाय। हाय। दरवाजा खुला था? दरवाजा खुला था और तुम यहाँ पे खड़े। बाय द वे साथ, तुम आजकल गायब कहाँ? कहीं भी नहीं, तुम भी तो गायब रहती हो। मैं कोई गायब नहीं रहती, तुम ही हो जो पूरा दिन लड़कियों के आगे पीछे घूम रहे होते हो, और उनमें से कोई एक लड़की नहीं जो थोड़ी सी समझदार या थोड़ी सी भी ढंग की। अब ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? मैं तो हर वक्त ग्लैमरस मॉडल के बीच में रहता हूँ, तुम बताओ कहाँ है ऐसी लड़की? इस तरह तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। यार तुम मेरी दोस्त हो या मेरी दुश्मन? अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें कैसी लड़की पसंद? जो अच्छी हो और अच्छी लगे। साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस मोहब्बत को हम इधर उधर तलाश कर रहे हैं वो हमारे सामने हो और दिखाई ना। अच्छा कहाँ है ऐसी लड़की? मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं देगी, और एटलीस्ट तुम वो लड़की नहीं हो सकते। मुबारक हो साहब, कोई तो है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई। सूरत की रानी, हुस्न की रानी, वासिफ बेग। हर खूबसूरत चीज दस्तरस में नहीं होती। हम तो हुस्न के कदरदान हैं, हुस्न को दस्तरस में कैद नहीं किया जाता, हम तो हुस्न को दिल में बसाते हैं। दिल में मैं आपके हसीन चेहरे के लिए दिल फ्रेब मुस्कुराहट का बाइस बन सकूं? अरे नहीं 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 नहीं, आप यकीन करें तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप मेरे बिल्कुल करीब हैं। यू आर वेरी क्लोज टू मी। समझने के लिए तो मुलाकातें बहुत जरूरी होती हैं ना। और हुस्न के तीर आपकी सरकश में है, जिसे चाहें जब चाहें जिस वक्त चाहें आप चला दें। एक काम चोर, कभी तू भी कोई काम कर लिया कर, हर वक्त चार पाई तोड़ती रहती है। अम्मा तू हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं सुबह से लेकर शाम तक पार्लर में काम कर करके थक जाती हूँ। अरे तू ना जाना काम करने के लिए, किसने बोला था तुझे कि पार्लर में काम करना शुरू कर दे? अम्मा तू अब ये बात कहना छोड़ दे, अगर मैं नौकरी ना करती ना तो घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। और अम्मा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी तेरा हाथ बटा रही है। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। अब तू यहाँ क्या करने आई है? आई होगी कोई नया तमाशा करने। ठीक कह रही हूँ ना फूफो मैं? बिल्किस तेरी बेटियों की कैसी जबान चलती है, मैं तो रिश्ता तय होने की मुबारकबाद देने आई थी। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मुबारकबाद। मैं तो इसलिए चली आई कि तुम्हारी खुशियों में शामिल हूँ, आखिर रिश्तेदार हूँ ना मैं तुम्हारी। ना कैसी रिश्तेदारी है? अच्छा एक बात तो बता, रानी के अब्बा के मरने के बाद कितनी बार तो हमारा हाल अखवाल पूछने आई है? अरे जब भी आई है कोई ना कोई मसला खड़ा करने आई है। कैसी बातें कर रही हो, मेरी क्या तुमसे दुश्मनी है? अच्छा बस छोड़, अब आ ही गई है तो बैठ जा। रानी चाय बना के ला।
मैं नहीं बुला रही कुछ, बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करूंगी। जो बोल रही हूँ ना वो कर। चल मेरी बच्ची आ बैठ, यहाँ बैठ भी जा। हाँ अब बोल। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो मूना के रिश्ते के लिए। खैर मुबारक, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। हेलो। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह अचानक फोन करके मत आया करो। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। साफ साफ बताओ क्या काम। ओहो, पार्लर में बैठकर तुम बात करती नहीं हो तो क्या यहाँ गाड़ी में बात कर ले। वासिफ बेग तुम अच्छी तरह से जानते हो ये नहीं हो सकता, यहीं पर बताओ क्या काम है। उस दिन बुटीक में तुम्हारे साथ एक लड़की थी। हाँ थी तो क्या सोचा है उसके बारे में। मैं जानती थी, मैं तो उसी दिन तुम्हारी हालत देखकर समझ गई थी और तुमने उससे बात भी की फोन पर और मुझे बताया भी। ओह वो तो इत्तेफाकन बात हो गई थी। एक्चुअल मैंने फोन तो तुम्हें किया था लेकिन उसने बात कर ली। वो बात इत्तेफाकन नहीं हुई थी, मैंने खुद तुम्हें मौका दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उस लड़की ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर। लेकिन तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, तब तक जब तक इस दुनिया की चमक उसे अट्रैक्ट नहीं कर रही। उसकी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना। जाहिर सी बात है, करीब लड़की है, मजबूरी नहीं कई मजबूरियां। अच्छा तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या इरादा है। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। ठीक है मैं भी चलता हूं लेकिन मेरे काम का ख्याल रखना। ओके खाला। बिल्किस खाला, खाला। अरे चाचा तुम अंदर कैसे है? क्यों मेरा अपना घर है, मैं अंदर नहीं आ सकता। हाँ अपना घर है मगर यहाँ हम रहते हैं ना किराए पर, आते हुए खटखटा लेते तो अच्छा होता। वो मैंने दरवाजा खटखटाया था मगर कोई आया ही नहीं, दरवाजा खुला हुआ था, मैंने कहा चलो अंदर ही चले जाओ। ठीक है बताओ कैसे आना हुआ। वो खाला बल्कीस वो घर पर नहीं है। अच्छा है घर पे नहीं है। क्या मतलब? मतलब अच्छा ही है वो घर पे नहीं है, थोड़ी तुमसे बात ही हो जाएगी। कौन सी बात? वो मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं और ये सारा घर तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। तेरा दिमाग ठीक है? मेरी बाप की उम्र का होके मुझसे इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हो तू? बाप की उम्र का हूँ ना, बाप तो नहीं हूँ ना। वैसे कब तक यूँ किराए के मकान में भटकती रहोगी, मेरी बन जाओ ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अंदर से इतने घटिया आदमी होगे। अरे अपनी दाढ़ी की लाज रख लेते। नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, और फिर शर्म में काहे की शर्म है, मैं तो कह रहा हूँ शादी कर लो। किससे? मुझसे और किससे, और फिर शादी करने में क्या बुराई है, वैसे भी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना उस पे तेरी शादी हो भी नहीं सकती थी चाचा। शकूर अब्दुल शकूर। हाँ हाँ शकूर अब्दुल शकूर चाचा, निकल मेरे घर से। ना क्यों चला जाऊं, किसी के बाप का घर है ये। अब तक मैं तेरे साथ इज्जत से इसलिए पेश आ रही थी कि ये घर तेरा है, लेकिन अगर अब भी तू घर से नहीं निकला तो मोहल्ले वालों को इकट्ठे करके धक्के मार के घर से निकलवाऊंगी मैं तुझे। नहीं नहीं तू तो ऐसे ही बुरा मान गई है, मैं जा रहा हूँ। दफा हो जाओ मेरे घर से। जा रहा हूँ ना। दफा हो जाओ।
जा तो रहा हूं। घर की बुढ़ा। आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। ओह नो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हो तुम? मैं बस इधर सीधा। तो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ ना, प्लीज। खुदा ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है। आप ये सुना था मेरी तारीफ करते हैं। ओह ना ना, यू आर रियल ब्यूटीफुल। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या हो। कल रात इजीली पहुंच गई थी, रिक्शा या टैक्सी मिल गई थी? नहीं यार, टैक्सी या रिक्शा तो नहीं मिली। हाँ अलबत्ता लिफ्ट मिल गई थी, तो इसीलिए पहुंच गई। अच्छा, कौन था? कौन था पता नहीं, कुछ नाम तो बताया था, भूल गई। हाँ कार्ड दिया है अपना उसने, दिखाती हूँ। ये राव अदनान अहमद। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुंची? ली, कुछ पूछ रही हूँ। मुझसे कुछ पूछ रही हो? हाँ मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? अभी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत जल्द हो जाएगी। और बहुत जल्द तुम उन लोगों का भयानक अंजाम देखोगी जो बेहिसी में अपनी मिसाल आप हैं। सच कहो तो मैं भी बस उसी वक्त की मंतजर हूँ जब इंसानियत बेबसी के चुंगल से आजाद हो जाएगी। आज इस सादा लिबास में तुम हुसैन से ज्यादा हसीन लग रही हो। आप यहाँ मेहमान जी के पास आए थे? ओह नो नो, बस यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखकर मैंने गाड़ी रोक ली। जी अच्छा, बड़ा अच्छा गाना है ना? हाँ हाँ, लेकिन तुमसे अच्छा नहीं है, तुम तो सबसे अच्छी हो, सबसे। अब ऐसी भी बात नहीं है। नहीं भाई, तुम वाकई बहुत हसीन हो। शुक्रिया। क्या कर रहे हैं? आगे करीबी जूस सेंटर है तो बहुत अच्छा बनाता है, जूसेस बहुत अच्छे। ऐसा ना करें कि चल के कुछ जूस वगैरह पी लेते हैं। जी जी नहीं, असल में ना अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी, फिर कभी पीऊंगी। याद रखना उधार रहा। जी बस जी, यही स्टॉप पे रोक दीजिएगा, गली में मेरा घर है। बस वो सीधे वाले मोड़ से ना। अच्छा अच्छा, राइट टर्न कर जाऊं। जी जी। Thank you.
मैंने राव साहब से जबरदस्ती शादी नहीं की थी। हमारी मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी, वहां वो चीफ गेस्ट है, कुछ परेशान लग रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे शादी का कहा। हाँ तो तुमने फौरन हाँ कर दी होगी। बूढ़े से तो क्या हुआ, अमीर तो थे ना। मैंने फौरन हाँ नहीं की, कुछ वक्त लिया। मुझे बहला रही हो? ये तुम्हारी अपनी सोच है, मुझे बताना था बता दिया। लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं शहर की बहुत बड़ी सोशल वर्कर हूं। मेरी एक आवाज पर पूरे मुल्क की एनजीओ तुम्हारा क्या हाल करेंगी, ये शायद तुम भी नहीं जानते। अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से, वरना तुम जैसों से बिया को निमटना बहुत अच्छी तरह से आता है। अच्छा बेटा, थोड़ा रेस्ट कर फ्रेश हो जाओ तो फिर तैयार हो जाना। तुम्हें मालूम है ना आज सुमन आपा के बेटे की शादी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, सच में बहुत थकी हूं। बहुत बुरी बात है बेटा, बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं हमारे, जाना तो पड़ेगा। तो ठीक है ना, आप चली जाइए, इसमें मुझे बहुत काम है। बेटा ऐसा भी क्या काम कि इंसान माशरे से कट कर ही रह जाए। मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी सिर्फ काम के लिए वक्त कर दिए। आप तो जानते हैं कि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे काम की कितनी अहमियत है। बेटा कुछ वक्त अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए भी निकालना चाहिए। अमीन, मुझे जिंदगी में कभी भी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे अपने कदमों पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि मैं अपना जो भी कदम उठाऊंगी उससे वो सब कामयाबी की तरफ ही जाएगी। पता तो चल गया होगा, तुम तक पहुंचना मुश्किल है। क्या मतलब? अदनान साहब से दूरी रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सकती अदनान, तुम इस हद तक गिर सकते हो? तुमने कहा था अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो तो। ओह हाँ, याद है मुझे। मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। रानी बहुत खूबसूरत है। Say something new, ये तो मुझे भी पता है।
फिर तो तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। एक बार फिर सोच लो ली। क्या मतलब है आपका? तुम इसकी बात पे ध्यान ना दो, इसकी मजाक करने की आदत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो शिकार ही गया जिसमें जान का खतरा ना हो। अगर तुम इस तरह से मुझसे बात करते रहोगे तो मैं इस पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब है कि मैं चला जाऊं। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा साद, प्लीज।